हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवन हॉक ग्राफिक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारा कैनवस और हम अपने प्रोडक्ट को करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। और अब हम बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करते हैं, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड सॉलिड कलर, और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ये एंड ओके। एंड देन हम सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल और हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे एंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे थोड़ा डार्क और अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं एलिप्स टूल एंड देन हम यहाँ पे ऐसे करेंगे सर्कल और इसके कलर को हम चेंज करेंगे, तो हम लेते हैं थोड़ा ब्राइट एंड ओके। परफेक्ट। देन हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ब्राइट कलर, तो हम ले लेते हैं ये एंड देन हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट टूल और कलर चेंज करते हैं और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं और इस तरफ से एंड ओके। देन हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे हम थोड़ा सा और ब्राइट करते हैं, तो हम लेते हैं ये कलर, टेक अ न्यू लेयर, राइट क्लिक एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे एंड ब्राइट कलर और यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड ओके। देन हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसको हम फिर से कॉपी करेंगे और इसके कलर को हम करेंगे वाइट और इसे हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे, लेयर मार्क्स ऐड करते हैं, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपेसिटी कम करते हैं एंड देन हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करेंगे एंड ओके। और यहाँ से भी हम इंक्रीज करते हैं रुके और इनको हम करेंगे ग्रुप और अब हम इसके नीचे बनाएंगे शेडो, तो इसके लिए हम लेते हैं एक न्यू लेयर, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर एंड देन इस लेयर को हम नीचे लेके आते हैं एंड ओके, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे एंड ब्रश टूल। और अब हम एक और न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एलिफ टूल एंड देन हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका कलर रहेगा ब्लैक। न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करना और यहाँ से हम लेते हैं ये ग्रे कलर और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क और यहाँ से हम ब्राइटर फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क और यहाँ पे ऐसे व्हाइट कलर ओपेसिटी कम करेंगे, अगेन टेक अ न्यू लेयर एंड व्हाइट एंड ओके। फिर से इसे कॉपी करते हैं और हम इसे नीचे की तरफ करेंगे, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे और यहाँ से हम इरेज करते हैं। परफेक्ट, न्यू लेयर एंड यहाँ ओपेसिटी कम करते हैं
ओके लेयर मार्क्स ऐड करेंगे ब्रश टूल और एक्स्ट्रा पार्ट इरेज करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले लेयर की कॉपी करते हैं। इसके लिए करेंगे कंट्रोल जे कंट्रोल टी करते हैं एंड देन राइट क्लिक, और यहाँ से हम करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और हम यहाँ पे लेके आते हैं और इस लेयर को हम नीचे लेके आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, ये हो गया। और इसे हम थोड़ा नीचे करते हैं, फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड गॉजियन ब्लर, रेडियस कम करते हैं एंड ओके। अगेन गो टू फिल्टर ब्लर एंड यहाँ से हम करेंगे मोशन ब्लर, और यहाँ से डिस्टेंस कम करते हैं एंड ओके। और अब हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देते हैं हम ग्रुप, और फिशेस को कॉपी करते हैं कंट्रोल जे, और इसे हम करेंगे ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक करेंगे एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इस ग्रुप को हम नीचे लेके आते हैं और जो हमारा ये चीज है ये वाला, इसे हम डिलीट करते हैं एंड देन फिर से हम इसे कॉपी करेंगे कंट्रोल जे, ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड देन जहाँ से करते हैं रोटेट, और इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से करते हैं क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, और अब हम करेंगे कंट्रोल टी, यहाँ क्लिक करेंगे और इसे हम इस तरीके से एंड ओके। देन गो टू फिल्टर गॉजियन ब्लर एंड ओके, देन मोशन ब्लर, परफेक्ट। और इसकी हम ओपेसिटी कम कर देते हैं, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, ओपेसिटी कम करेंगे और यहाँ से अच्छे, परफेक्ट। और अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पेन टूल, और यहाँ से हम सॉरी और यहाँ से हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए शेप, देन हम फिल को ऑफ कर देते हैं और अब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो हमें ऐसे करना है, फिल पे आएंगे और यहाँ से हम ब्लैक कलर सिलेक्ट करते हैं एंड देन हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पेन टूल, तो हमारा यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए ऐसे, और यहाँ से कर्व हैंडल हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे टेल करते हैं, यहाँ से हमारा कर्व होना चाहिए एंड देन ऑल्ट होल्ड करेंगे और इसे हम यहाँ से खत्म करेंगे इसका हैंडल को एंड देन ओके। और इसके कलर को हम चेंज करते हैं, तो हम थोड़ा ब्राइट ले लेते हैं, परफेक्ट। और अब हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और ब्राइट कलर, और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हमारा बॉल है हमने यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा अप्लाई किया है, तो हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा, तो फिर से हम एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं एंड व्हाइट कलर, परफेक्ट। देन फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगेन टेक कर न्यू लेयर और साइज कम करेंगे और यहाँ पे ऐसे ओके। देन हम इसे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से अब हम अप्लाई करेंगे बेवल एंड एम्बर्स,
यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्लिक किया आपको यहाँ से एक व्हाइट कलर का बॉर्डर दिख रहा होगा। पहले मैं शो ऑफ करके दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ से अगर मैं इसे नॉर्मल करूँ देन आपको ज़्यादा हाईलाइटेड दिखेगा, तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने हिसाब से इसे रखना है। तो मैं इसका जो डायरेक्शन है उसे चेंज करती हूँ, तो एंगल चेंज करेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ करते हैं। एंड ओके और अब हम इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिप मास्क। और यहाँ से हम ग्रेडियंट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से होना चाहिए वाइट। फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिप मास्क और यहाँ पे ज्यादा कर लेंगे, परफेक्ट। इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन और यहाँ से हमारा अप्लाई करेंगे बबलन एम्बर्स। ये देखिए एंगल चेंज करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए, एंड ओके। और अब हमें यहाँ पे शेडो अप्लाई करना है, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे और इसका हम सिलेक्शन बनाते हैं। ये देखिए उसके लिए हम ऑल्ट कंट्रोल होल्ड करेंगे और यहाँ पे हमने जो थंबनेल हमारा लेयर थंबनेल हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिससे ये सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हमने फिल करना है ब्लैक, तो इसके लिए करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिल्टर पर जाएंगे एंड गॉजियन ब्लर एंड ओके। और इसे हम यहाँ पे इस वाले जो पार्ट है हमने यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करना है, तो या फिर हम ऐसे कर सकते हैं या फिर हम लेयर मार्क्स ऐड करके भी हम इरेज कर लेंगे। तो आपको जो सही लगे कर लीजिए, तो मुझे लग रहा है कि हमें लेयर मार्क्स ऐड करना चाहिए। देन हम सेलेक्ट करेंगे ब्रश टूल और ओपेसिटी फुल करते हैं। परफेक्ट। और अब हम इनको करते हैं ग्रुप। बैकग्राउंड लेयर पे अब हमने वर्क करना है, तो उसके लिए हम लेंगे एक न्यू लेयर, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, फिर से कॉपी करेंगे, साइज इंक्रीज, ब्लेंडिंग मोड ऑफ करते हैं इससे ओवरले, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल ब्लेंडिंग मोड ऑफ करते हैं स्क्रीन, देन फिर से एक न्यू लेयर लेंगे। और यहाँ पे लाइटिंग का ध्यान हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे लाइटिंग दे दी थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे देना पड़ रहा है और यहाँ पे दी थी क्योंकि ये जो हमारा लाइटिंग हमारा ऊपर से आ रहा है देन यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो हमें नीचे से भी देने की जरूरत है। तो इसके लिए अब हम फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और नीचे से लाइटिंग इफेक्ट देते हैं कि कैसा लग रहा है यहां से, साइज इंक्रीज करेंगे। पर जो हमारा जो शेडो था हमने यहां से इरेज किया था, हमें यहाँ पे भी करने की जरूरत था, तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, हार्डनेस कम करते हैं और यहाँ से इरेज करते हैं एंड ओके। फिर से एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ब्रश टूल और यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड ओके। और अब हम वर्क करेंगे अपने प्रोडक्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको साइड से व्हाइट कलर दिख रहा होगा जिसे हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट आइकन पे आएंगे एंड ह्यू सैचुरेशन, यहाँ से हम करते हैं क्लिपिंग मार्क्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमारा रेड कलर है हम उससे क्लिक करते हैं और सैचुरेशन हम -100 कर देंगे। ये देखिए कम हो गया एंड ओके। पर यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ा तो हम उससे ब्रश टूल से रेज कर सकते हैं, ये देखिए आज से। और यहाँ पे जो गोल्डन था वो भी कम हो गया, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अब हम एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क। तो यहाँ पे हमने साइड से ब्राइटनेस अप्लाई करना है इस पे,
और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज करेंगे तो स्क्रीन करके देखते हैं। नो ओवरले, परफेक्ट, थोड़ा और अप्लाई करेंगे देन ओके। और हम फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, एडिट पे आएंगे फिल, और यहाँ से हम करते हैं 50% ग्रे ओके। और इसे हम करेंगे ओवरले, और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं डोज टूल, तो जहाँ भी हमें ब्राइटनेस अप्लाई करना है वहाँ पे करते हैं यहाँ। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं बर्न टूल, परफेक्ट। हमें इसे थोड़ा डार्क करना चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस कलर को लेते हैं थोड़ा डार्क, वेस्टी कम करते हैं और कम करेंगे। न्यू लेयर लेते हैं, राइट क्लिक एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं एंड वाइप, ओके। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट देनी है, तो एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं वाइट कलर, फेसेस की कॉपी करते हैं, ब्लेंडिंग मोड करेंगे सॉफ्ट लाइट एंड देन फेसेस की कॉपी करते हैं और इस तरफ, फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे और अब हम इन सभी लेयर को करते हैं मर्ज। इसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ए, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर, ओके। एडजस्टमेंट आइकन पे आएंगे एंड यहां से हम करते हैं कलर बैलेंस, आई होप आप सभी को मेरा आज का ये डिजाइन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।